Women organization of Dimahasao demand immediate arrest and exemplary punishment to the molester. Several women organizations of Dimahasao, like Dimasa Mothers Association, Dibarai Mahila Samiti, Mahila Shakti Mondol, have demanded immediate arrest and exemplary punishment against the perpetrator Pandey Sengun at the rate Gibson, who has been sexually harassing girls in the street of Haflong. अगर जल्दी से जल्दी वो पंडेश सेंगयुंग उर्फ जिप्सिंग सेंगयुंग को अगर नहीं पकड़ा तो हम लोग इससे भी बड़ा, आज तो प्रेस मीटिंग कराए और इससे भी और भी बड़ा हम लोग उसको एक्शन लेने के लिए और भी निकलेगा। या हम लोग दो तीन ही नहीं है और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन लेके दिमाहासाओ का पूरा जनता आके हम लोग उसको एक्शन लेने के लिए और भी निकलेगा। अभी अगर ऐसा अभी का टाइम अभी इमीडिएट अगर एक्शन नहीं लेगा सरकार से तो और भी बड़ा होगा और इसका जिम्मेदार हम लोग नहीं होगा, वो सरकार का तरफ जाएगा। और अगर विक्टिम को अभी ऐसा अभी का सिचुएशन में ऐसा है वो सोचने नहीं सकता है तो उसको कौन रिलीफ देगा, वो उसको कौन विचार करेगा। हम उनको मांग है जल्दी से जल्दी वो कल्पित को पकड़ना है, उसको पनिशमेंट देना है। और अभी खाली वही एक ही नहीं है, लगता है दिमाहासाओ में और भी ज़्यादा है होगा, तो सभी को मालूम होने के लिए हम लोग उनका ज़्यादा से ज़्यादा मांग है। हम लोग उसको पनिशमेंट ऐसा छोटा पनिशमेंट नहीं, फांसी तक का दिलाने के लिए हम लोग उनका मांग है। Expressing serious concern over the incident of sexual harassment to the girls, particularly in Haflong town, all leaders of organizations said Haflong was always considered a safe place for girls, but such heinous crimes have compelled to think them otherwise. आज हम लोग यहाँ पे बैठा हुआ है सब दिमाहासाओ का जितना भी वीमेन ऑर्गेनाइजेशन है सब इकट्ठा होकर यहाँ पे आज प्रेस मीट कर रहे हैं। हम लोग प्रेस मीट करने का रीज़न है रिसेंटली कल परसों ही 9 अप्रैल को शाम को एक लड़की को मोलेस्टेशन हुआ है। जो मोलेस्टेशन हुआ है लड़का का नाम है पंडित सिंगयुंग, उसने मोलेस्टेशन किया है, सेक्सुअली असोल्ट किया है। पंडित सिंगयुंग का लोकली यहाँ पे उसको जिप्सिंग सेंगयुंग बोल के मालूम होता है लोग। तो ये सुनने को मिला है कि वो मोलेस्टेशन तो उसका साथ ही नहीं किया है, वो विक्टिम का साथ ही नहीं किया है। पहले भी बहुत सुनने को मिला है कि यहाँ का लोग लड़कियों को भी वो छेड़छाड़ करता है और इवन लोकल टूरिस्ट जो लोग आता है यहाँ पे विज़िट करने के लिए उन लोगों का साथ भी छेड़छाड़ हुआ है बोल के हम लोग उनको सुनने को मिला है। मगर आज तक किसी ने FIR नहीं दिया है तो इसलिए उसको पकड़ना भी एक्शंस भी नहीं लिया गया है शायद। तो कल परसों जो मोलेस्टेशन हुआ है तो विक्टिम ने उसको लेके FIR भी दर्ज किया है। तो लॉ एंड ऑर्डर जो है आज तक क्यों नहीं पकड़ा, ये भी हम लोग उनका सवाल है। लॉ एंड ऑर्डर को हम लोग उन मांग करता है कि इमीडिएट इस तरह का हीनियस क्राइम हमारा दिमाहासाओ में ना हो, उसके लिए इस लड़का को जल्दी पकड़ना है और उसका क्राइम के हिसाब से उसका सीवियरली पनिशमेंट भी देना चाहिए, ये हम लोग उनका मांग है। दिमाहासाओ ऐसा जगह है जहाँ पे सुख शांति है, जहाँ पे दिन रात हम लोग आराम से लड़का लड़की घूम सकता है, यहाँ पे किसी का डर नहीं होता है। तो आज यहाँ पे हम लोग इस तरह का इंसिडेंट होने का बाद, इस तरह का मोलेस्टेशन सेक्सुअली असोल्ट होने का बात बहुत जगह से भी सुनने को मिलता है आजकल, तो उसके लिए हम लोग सिक्योर फील नहीं करता है। हमारा अपना बेटी के लिए भी हम सिक्योर फील नहीं करते, इवन अपने लिए भी हम सिक्योर फील नहीं करता है। तो इसलिए हम लोग स्ट्रांगली डिमांड करता है द लॉ एंड ऑर्डर टू टेक इस स्टेप के ऊपर बहुत ही जल्दी से जल्द एक्शन लो और पंडित सेंगयुंग उर्फ जिप्सिंग सेंगयुंग को जल्द से जल्द पकड़े। Therefore, they have fervently requested the authority concerned to be vigilant and not to allow such crimes to happen in future. Otherwise, they would be compelled to go for stronger agitations in protest against such crimes. मांग है वो जो ऐसा मोलेस्टेशन किया है उसका लॉ एंड ऑर्डर जल्द से जल्द अरेस्ट करके उसको पुलिस का कस्टडी में लेना है। हम लोगों को ये मांग है। उसका नाम है, आगे में भी बताया था, पंडेश सेंगयुंग और जीप सिंह। और जहाँ में भी हो उसको FIR दर्ज करने के बावजूद भी अरेस्ट नहीं हुआ है तो उसको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करे, पुलिस का कस्टडी में ले जाए, ये हम लोग का मांग है। यही तो आज से हम लोग और
और भी बिगार प्रोटेस्ट करेगा, हम लोग चुपचाप नहीं बैठेगा। In hurriedly held press meet at NL Daulagafu Sports Complex on Tuesday, Bimala Langthasa President DMA, Maipal Kemprai GS DMS and Parvati Thousand President SMM said such heinous crimes should be condemned by all the health and to apprehend the perpetrator immediately. का जो टॉपिक है molestation, ये molestation केस हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं होता है। यहाँ मर्द औरत डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। इस डिस्ट्रिक्ट में सभी का इक्वल राइट, हर ट्राइब में इक्वल राइट है। तो महिलाएं अपना स्वाभिमान से यहाँ चल सकती है, फिर सकती है, लेकिन आज पहली बार हमारा ये लड़की ऐसा मोलिस्टेशन हुआ, तो ये नहीं होना चाहिए था। ऐसा क्यों हुआ और जिसने किया उसका नाम पंडित सेंगयुंग, इसने बहुत गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में भी काम करती हूँ, पीएलबी का काम करती हूँ, तो मैं तो इस बारे में हर जगह जाके अवेयर करती हूँ, पब्लिक को, महिलाओं को अवेयर करती हूँ। मोलिस्टेशन भी एक केस है, सिर्फ मोलिस्टेशन नहीं, किसी लड़की को थोड़ी देर अगर कोई लड़का घूरता है, देखता है, वो भी केस बनता है। अगर कोई लड़की को कोई आदमी पीछा करता है कंटिन्यूसली, वो भी केस बनता है। ये तो मोलिस्टेशन है, तो ये बहुत बड़ा, मतलब मोलिस्टेशन जो लड़की लोग अभी रो रही है, ये बहुत बड़ा क्राइम है। इस विषय में तो मैंने बहुत पहले भी केस किया है, लेकिन ट्राइब में फर्स्ट टाइम देखने को मिला। ये बड़ा आश्चर्य का चीज़ है। यहाँ ये डिस्ट्रिक्ट इतना सुंदर है, अभी टूरिस्ट का इतना वो हो रहा है, तो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनके ऊपर भी मोलिस्टेशन हुआ, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या रह जाएगा? पहले से ही हमारा, मतलब लड़कियों के ऊपर ऐसा होता है, तो कोई लड़की आएगी नहीं, कैसे आएगी? जंगल का रास्ता तुम्बुंग जाना है, कहाँ झरना है, कौन लड़की आएगी यहाँ? नहीं बोले वहाँ जाने से मोलिस्टेशन होता है। बहुत बहुत बुरा बात है, बहुत ख़राब बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। हाँ, सरकार से हम मांग करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसने भी किया है उसको जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए। Meanwhile, an FIR has been lodged for the victim at Haflong police station, and a case has also been registered against the perpetrator Pondes Sengyung at the raid Gibson. Haflong PS in charge Ranjit Hajarika, while talking to the media, said they have received the FIR and a case has been registered, but the culprit is yet to be arrested. All the measures are taken to apprehend the culprit very soon. তেওঁ বিল্ডিং ওপৰত অহাৰ সময় ডি এছ এ গ্ৰাউণ্ডৰ আশে পাশে এটা নিৰ্জন এলেকাত এই যিজন জীপচন বুলি কয় তেওঁ এজন, তেওঁ এখন নীলা ৰঙৰ এল্ট' গাড়ী আছিলে আৰু উইথআউট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, নতুন গাড়ী, সেই গাড়ীখন লৈ তেওঁ জাষ্ট ক্ৰছ কৰাৰ সময়ত তেওঁ গুলিত টাচ কৰি এনেকৈ মলেষ্টেশ্যনৰ চেষ্টা কৰিছিলে। আৰু আমি সেই সম্পৰ্কত আমি ইনকুৱাৰি কৰি গম পাইছিলোঁ যে সেই নীলা গাড়ীখন সেই জীপচিং নামৰ মানুহজনেৰে হয় আৰু তেওঁ আগৰ ডি এছ ডি সংগঠনত আগতে ডি এছ ডি যে পাৰ্টি আছিলে তেওঁ একচুৱেলি অৰিজিনেল ঘৰৰ আমি গম পাওঁ মতে ডিহাংগীৰ এৰিয়াত, কিন্তু আমাৰ বৰ্তমান হাফলং থানাৰ অন্তৰ্গত তেওঁলোকৰ বস্তুৱে কিন্তু বহুত আছে। এই সম্পৰ্কত আমি অলৰেডি কমপ্লেইনেণ্টৰ এজাহাৰ ভিত্তিত আমি গোচৰ এটা ৰেজি কৰিছোঁ হাফলং থানাৰ গোচৰ নম্বৰ 26/22 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 354 আৰু 509 আই পি চি, আৰু অলৰেডি আমি কমপ্লেইনেণ্টৰ ষ্টেটমেণ্ট ছেটমেণ্ট লৈছোঁ। আৰু বৰ্তমান আমি গম পোৱা মতে হয়তো গোচৰ হোৱা গম পাই কমপ্লেইনেণ্ট হয়তো বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে, তথাপি আমি তেওঁৰ বৰ্তমান অৱস্থান সম্পৰ্কত আমি অনুসন্ধান কৰি আছোঁ। আমি আশা কৰোঁ অতি সূক্ষ্মে তেওঁক আমি কৰায়ত্ব কৰিব পাৰিম। আৰু ইতিমধ্যে আমি গম পোৱা মতে
পটকীয়াজনে ইয়াৰ আগতেও এনেকুৱা কিছুমান ইনচিডেণ্ট কৰিছিল যিবোৰ ঘটনা হয়তো আমাৰ থানাত ৰিপৰ্টিং হোৱা নাছিল বিভিন্ন কাৰণত। আৰু এতিয়া আমি সেইখিনি ভুক্তভোগীও আমি পাইছোঁ, তেওঁলোকেও অলৰেডি স্বীকাৰ কৰিছে হয় এনেকুৱা তেনেকুৱা ঘটনা হৈছিল, কিন্তু সেই সময়ত তেওঁলোকে হয়তো আইডেণ্টিফাই কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে কোনো গোচৰ দিয়া নাছিলে। আমি সেইখিনি ভিত্তিভূমিকো আমি আমাৰ গোচৰৰ আওতাত আনি আমি বৰ্তমান ইনভেষ্টিগেশ্যন চলাই আছোঁ। Braveheart victim says she wanted to stop such crimes against women immediately and the perpetrator should get exemplary punishment so that none can dare to commit such heinous crimes. The victim's tweet on social media has gone viral by this time, wherein people from every walk of life promise to stand by the side of the victim and fight against such crime, which shocked the entire populace of the district. क्या हुआ था कि उस दिन सैटरडे को 9th of April मैं ऐसे वॉक के लिए निकली थी अराउंड 5:30 को। मतलब दिन भर ऐसे गर्मी थी तो सोचा रात शाम को वॉक में निकलूँ, फिर मेरे कज़न्स भी आ रहे थे मुझे मिलने, तो हम लोग ऐसे वॉक के लिए निकले थे। फिर इधर पास ही में मतलब ये DAC के पास DIY कैफ़े है उसके पास पहुँची थी मैं, तो फिर एक गाड़ी आया तो मैं सोचा ये गाड़ी रॉन्ग साइड क्यों आ रहा है, बिकॉज उसको तो ही शुड हैव बीन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रोड, लेकिन वो बहुत पास में आया तो आई थॉट मे बी ही वांट्स टू पार्क। तो फिर जब गाड़ी से ऐसे हाथ निकाला तो मैंने साइड दे दिया, आई थॉट साइड मांग रहा है, बट देन ऑल ऑफ अ सडन ही ग्रोप्ड मी ऐसे और वो भाग गया, ही स्पेड ऑफ। लेकिन आई इमीडिएटली रिकग्नाइज दैट पर्सन बिकॉज इसने पहले भी बहुत लोगों को कर चुका है, ये बहुत लड़कियों को ऐसे कर चुका है, एंड देन ही डिड इट टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड सो सिंस देन वी हैव बीन कलेक्टिंग एविडेंसेस अगेंस्ट हिम। तो मेरे फ्रेंड ने भी कलेक्ट किया, तो हम लोग को पता चल मतलब देखा तो है ब्लू ऑल्टो, नंबर प्लेट नहीं है। तो और एक फ्रेंड को तो उसने दिन में किया था, दिन दहाड़े, तो उसने तो चेहरा भी देख लिया। तो जब हमने पता चला कि ये आदमी है जिपसिंग सिंगयुंग, तो इसका फ़ोटो भी देखा हमने, यही आदमी है बोल करके, तो उसने बोला हाँ यही आदमी है ऐसे। तो जैसे ही मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ मैंने तो पूरा देख लिया, मतलब साइड से भी तो चेहरा तो दिखा है, थोड़ा पास में आ गया था ना बहुत। फिर उसका गाड़ी का कलर देखा, ऑल्टो है, ब्लू ऑल्टो विद बम्पर वो है, आई मीन नंबर प्लेट नहीं है, तो पता चल गया ये है। और मैं चिल्लाया भी था, तो साथ ही साथ मेरे जो कैफ़े में फ्रेंड्स थे वो लोग निकल आए, और मेरे जो कज़िन वॉक में जाने वाले थे मेरे साथ वो भी आके पहुंच गए। तो साथ ही साथ हम लोग पुलिस स्टेशन में गया, पुलिस स्टेशन में ऐसे बात किया था सर, तो वो लोग भी पुलिस भी स्काउट करने निकल गए। फिर थोड़ा काफ़ी टाइम देर रहे हम लोग उस दिन पुलिस स्टेशन, तो नेक्स्ट डे आके FIR दो किया बोला, तो हम लोग FIR दिया उसके अगेंस्ट। तो वही मतलब वो इतने दिनों से ऐसा कर रहा है काफ़ी लड़कियों को किया, और लास्ट ईयर एक फ्रेंड आई थी उसको भी, वो तो बाहर से थी, वो तो टूरिस्ट थी ना घूमने आई थी, उसको भी ऐसे किया, वो डर भी गई थी काफ़ी। सो देर सो मेनी गर्ल्स, मैं सिर्फ डन इट टू सो मेनी गर्ल्स, बट लाइक नॉट एवरी वन हैज़ द करेज और द काइंड ऑफ फैमिली सपोर्ट टू फाइल FIR, लॉज FIR अगेंस्ट सच परपेट्रेटर्स। सो आई फील सो वही मतलब उसका इतना हिम्मत हो गया था वो, क्योंकि वो कंटिन्यूसली कर रहा है और उसके अगेंस्ट कुछ एक्शंस नहीं लिया जा रहा था, तो वो मतलब उसको कॉन्फिडेंस भी आ गया कि वो दिन में भी कर रहा था ऐसे। आप सरकार से क्या मांग है? तो सरकार से यही मांग है कि इसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और ही शुड बी पुट बिहाइंड द बार्स, और एंड मैक्सिमम पनिशमेंट इम्पोज करना है ऐसे लोगों के ऊपर, बिकॉज इसमें इसके अंदर कुछ शेम नहीं है, एंड आई वॉन्ट हिम टू रिफ्लेक्ट ऑन हिज मिस्टेक्स एंड रिपेंट फॉर वट हीज़ डन, एंड वही सो दैट एवरी वन फील सेफ, ऑल द गर्ल्स फील सेफ। हाँ सेफ्टी का, बिकॉज हाफलोंग तो ऐसा नहीं था, हाफलोंग ऐसा नहीं था, प्लस हाफलोंग इतना छोटा टाउन है, कितना ही मुश्किल है एक आदमी को पकड़ने के लिए हाफलोंग में, और उसका इतना हिम्मत है, इतना छोटा टाउन में रह के वो ऐसे कर रहे हैं, मतलब उसको कुछ डर ही नहीं है, ये आदमी को कॉन्फिडेंस है इतना कि वो, पर वही मतलब उसको अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना चाहिए, मतलब हाफलोंग में ऐसे आके क्या हम लोग खुद के जगह, मतलब मैं तो उसके खुद के कम्युनिटी की भी हूँ, मुझे मेरे साथ ही ऐसा क्या, एंड इट्स नॉट अबाउट बीइंग फ्रॉम द सेम कम्युनिटी, किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए, हर कोई किसी कम सेफ हाफलोंग हम लोग देखने चाहिए। हाँ सेफ हाफलोंग भाई, और सिर्फ वही नहीं, अगर ऐसा और भी केसेस है और किसी ने भी अगर रिपोर्ट किया कभी, तो वैसा ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए किसी को। थैंक यू।